हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट था कि जो एक बार टैंक खाली होने के बाद, ओवरहेड टैंक जब खाली हो जाता है, खाली होने के बाद एयर लॉक हो जाता है, उसका क्या प्रॉब्लम, रीजन क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आज इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये एयर लॉक क्यों होता है। ओके फ्रेंड्स, ये छत पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, शायद ब्लॉक हो गया है रेनवाटर का पाइप भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ओवरहेड टैंक है, ऑलरेडी ओवरहेड टैंक कैसे कनेक्शन होता है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और आप चाहे तो एंड स्क्रीन में देख सकते हो। ये आशीर्वाद का एक टैंक इधर लगा है और इधर एक कावेरी टैंक लगा है, दोनों टैंक को मैंने कनेक्शन किया हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, जब टैंक को कनेक्शन करने का टाइम है हमको एयर पाइप लगाना पड़ता है, ये एयर पाइप है, एयर पाइप लगाना पड़ता है। तो जहाँ पे अभी ये देखो, ये छोटा सा बेस है क्योंकि ये एक रूम ऊपर है, उसके बाद छत पे नीचे पाइप उतरा है। कभी भी आप देखो अगर टैंक का लेवल में ज़्यादा एरिया है या तो छत का ज़्यादा एरिया है, आपको क्या करना है, टैंक पास तो देना ही है एयर पाइप, और जहाँ पे डाउन करोगे, जहाँ से वो छत से नीचे डाउन होता है, देखिए नीचे डाउन होके उधर पाइप लाइन घुमा हुआ है, ये भी लाइन है और उधर भी लाइन है, ऐसे घुमा हुआ है। उस टाइम में आपको क्या करना है, जहाँ पे डाउन करोगे उधर भी एक एयर पाइप दे देना है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उतारा हुआ पाइप को, यहाँ पे भी एक देखिए एयर पाइप दिया हुआ है, ये है। देखिए वहाँ से पाइप घूम के जाने के बाद इधर एक एयर पाइप है, तो एयर पाइप और इस तरफ जब ऐसे घूम के पाइप लाइन गया है, फिर यहाँ पे एक एयर पाइप दिया हुआ है, ये है एयर पाइप। तो इसलिए जहाँ पे आपको छत का डाउन करोगे वहाँ पे अगर एयर पाइप दे दिया तो आपको कभी भी एयर लॉक होने का चांस नहीं है। देखिए मैं अभी वाल ओपन करूंगा, पानी जब जाएगा तो किस तरह का साउंड करता है। अभी मैंने पानी चालू किया हूं, अभी देखिए इसी तरह का, अगर हम जहां पे डाउन पे दिए तो इसी तरह का एयर पास हो जाता है, अगर हम टैंक का पास देंगे तो ये जो टर्निंग शो पॉइंट है उसमें एयर हाफ लेवल तक रुक जाएगा, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होगा और पानी स्लो आता है। कभी भी आप देखो टैंक का लेवल का छत जितना भी लंबा होने दो, आप जब वो छत से आपको नीचे डाउन करोगे तो वहाँ पे भी एयर पाइप दे देना। देखिए मैंने ऑलरेडी टैंक का पास दिया हूँ, दो टैंक में दो एयर पाइप दिया हुआ है और एक जहाँ पे डाउन हुआ है उधर एक पाइप और इधर एक पाइप। अब ये पाइप डाउन होने के बाद देखिए उधर से डाउन होके, इधर से डाउन होके फिर छत पे ऐसे ही घुमा है पाइप लाइन। मैं अभी यार निकालने के लिए उधर ओपन किया हूँ वाला, इसी तरह का यार अभी पास हो जाता है। ये कभी भी आप टैंक खाली होने दो, कुछ भी होने दो, जब पानी भरे होगा यार लग कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या है सब जगह टैंक का पास ही यार पाइप दे देते हैं और बाकी जगह में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पानी एक बार खाली हो गया तो यार लग हो जाता है। आज के लिए इतना ही है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी पूछना है हमको कमेंट कर सकते हैं।